बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला पेंगुइन अगर कहा जाए कि मानव जाति और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक है, तो आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट ने जब सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन्स को देखना शुरू किया तो कुछ अजीब तरह के निशान उन्हें देखने को मिले। ये देखने में हूबहू जमीन पर बने धब्बे के जैसे दिखते थे, पर सच तो यह है कि ये यहाँ पर रहने वाले पेंगुइन्स की पूप यानी उनका मल था। पेंगुइन्स जो फूड कंज्यूम करते हैं खाते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसी की वजह से ये पेंगुइन्स नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। यही गैस अंटार्कटिका में होने वाले ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गैस CO2 से भी सैकड़ों गुना ज्यादा घातक है। अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स भारी मात्रा में पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से सीज में वाटर लेवल बहुत बढ़ जाएगा और समुद्र आसपास के शहरों को तबाह कर देगा।